दिल्ली में इस साल भले ही मानसून ने देर से दस्तक दी हो, लेकिन इसने 46 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। 46 साल पहले 1975 में दिल्ली में 1150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस मानसून सीजन में यहां अब तक 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इससे पहले 2003 में मानसून में 1050 मिलीमीटर बारिश हुई थी और अभी भी मानसून खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस साल और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया था कि शनिवार को भी दिल्ली NCR में हल्की से तेज बारिश होगी और उसी के नतीजतन मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। विभाग के अनुसार दिल्ली NCR, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। शुक्रवार रात से ही हो रही बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पानी भर गया। यहां खड़े विमानों के पहिए भी पानी में डूब गए। एयरपोर्ट से 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर और अहमदाबाद की तरफ डाइवर्ट की गई है। दिल्ली में जुलाई 13 को मानसून की एंट्री हुई थी। यह 19 साल की सबसे देरी से पहुंचा। इसके बावजूद यहां 16 दिन की बारिश हुई, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। अगस्त में सिर्फ 10 दिन बारिश हुई, जो 7 साल में सबसे कम है। वहीं सितंबर में अब तक 248.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि आमतौर पर दिल्ली में सितंबर में 129.8 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते मानसून पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ 24 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है, पहले इतनी बारिश 10 से 15 दिन में होती थी। ऐसी बारिश से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।